देखिए दोस्तों, ये हुआ इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता हुआ यह ट्रेन। दोस्तों इसमें 25 के वोल्ट दौड़ाया जा रहा है, इसके अनुसार इलेक्ट्रिक ट्रेन कहा जाएगा ये। और देखिए काफ़ी आपको इलेक्ट्रिकल का पैनल दिख रहा है, पोल दिख रहा है, जिसके हेल्प के मदद से इलेक्ट्रिकल ये ट्रेन बना दिया गया है। और ये ट्रेन कैसे दौड़ती है आप देख रहे हैं, इस छोटे से चौक हल्ट पे ये गाड़ी रुकी कैसे है। दोस्तों देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए समझा रहे हैं। और छोटा सा ये हल्ट है दोस्तों, और हल्ट में हम आपको स्वागत कर रहे हैं। ये मौका अच्छा मिल गया है यहाँ पे ब्लॉग करने के लिए, थोड़ा सा गाड़ी रुक गया है कुछ वक्त के लिए, कुछ सी काम के लिए। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए बने रहिए इस वीडियो में। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत कर रहे हैं दोस्तों। यह है महाराष्ट्र, मुंबई के पास से पुणे का जगह में ले जा रहे हैं दोस्तों ये ट्रेन जो है रुकी हुई है, लेकिन अभी जो है दूसरा ट्रेन है। इस ट्रेन का रुकने का वजह यह है कि एक पटरी पे दूसरे ट्रेन को नहीं ले जाया जा सकता है दोस्तों। आप देख रहे हैं विकास ब्लॉग 99 चैनल के माध्यम से यात्रा करते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप इस देश दुनिया का यात्रा करना चाहते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे रोकते हैं और आगे का ब्लॉग दिखाते हैं कि कैसे होता है। और देखिए कैसे यहाँ पे नजारा बन रहा है, कैसे इस पेड़ में, छोटे छोटे पेड़ों में यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये अच्छा बात होता है दोस्तों, इस हरियाणी का एक नया देन होता है कि आप यहाँ पे रुक कर, यहाँ पे बैठ कर कुछ वक्त के लिए आराम कर सके दोस्तों। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं एक नए प्लेस को लेकर, नए ब्लॉग में आपको स्वागत कर रहे हैं दोस्तों। यह महाराष्ट्र शहर हुआ पुणे का, यह स्टेट बना, और हम इस रेलवे जो ट्रैक है, चौक है, थोड़ा सा छोटा हॉल्ट है, इसी पे ये ट्रेन अभी रुकी हुई है दोस्तों। कैसे रुकी हुई है हम दिखाने ले जा रहे हैं दोस्तों, देखिए ऐसे रुकी हुई है। चलिए अंदर पूर्वक दिखाने ले जा रहे हैं इस ट्रेनों का नजारा, कैसे रुकी हुई है इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। थैंक यू सो मच। देखिए कैसे रुकी हुई है, हम आपको नजारा बता रहे हैं कैसा है। लंबा ट्रेन में हम आपको स्वागत कर रहे हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same. तो मच आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के द्वारा, आप देश दुनिया में मेरे साथ घूमते हैं दोस्तों, यात्रा करते हैं। Every day, कोई छोटा मोटा हॉल्ट है दोस्तों, चौक लिख रहा है, चौक कहा जाए तो हॉल्ट, इसी पे ट्रेन हो गई रुक, और ऐसे रुकने का नज़ारा कुछ बन रहा है दोस्तों। देखिए चौक करके ये हॉल्ट है लगता है, और ट्रेन यहाँ पे रुक गई है। इस देश के ट्रेवलिंग ब्लॉग में हम आपको स्वागत करते हैं दोस्तों। ये है पुणे महाराष्ट्र मुंबई। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखिए ऐसा नज़ारा बन रहा है यहाँ पे, ऐसे होता है। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. तो वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं मेरे साथ दोस्तों इस पुणे का इस हॉल्ट चौक पे, थोड़ा छोटा सा है इसीलिए यहाँ पे गाड़ी हो गई रुक, और ट्रेन ऐसे रुका हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। सफर कर रहे हैं लोग दोस्तों, देखिए हॉल्ट है, छोटा सा एक प्रकार का हॉल्ट जो कि ट्रेन रुका हुआ है, इस तरह का चौक करके नाम है हॉल्ट का दोस्तों। स्वागत कर रहे हैं, ये है महाराष्ट्र मुंबई दोस्तों। पुणे हम जा रहे हैं इस ट्रेन के माध्यम से दोस्तों, ये ट्रेन हमें पुणे की तरफ छोड़ेगी, और वहाँ हम जाकर आपको ब्लॉग कर रहे हैं दोस्तों। ब्लॉग में ये समझाते हैं कि हम देश दुनिया में आपको स्वागत करते हैं, और देश दुनिया में घूम कर हम आपको पूरे देश दुनिया का नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा यह देश दुनिया होता है, ये वर्ल्ड होता कैसा है आखिर दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, हर एक वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो देश दुनिया में
घूमने फिरने का मिलता है दोस्तों। थैंक यू सो मच। चलिए ऐसे ट्रेन हो रहा है, ऐसे होता है इंडियन ट्रेन जो कि आप देख सकते हैं।